यार मुझे गाय भैंस बकरे इतनी पसंद है। शायद मेरी अबू की बचपन की वो बिजनेस है ना, हम गाय के साथ ही पैदा हो गया। 25 bin lira. Ya ben buna hep 27, 27 lira para istiyorum. Son kaç oldu? 25 bin. Hello, assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel. इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, शुक्र अल्लाह का। मैं भी ठीक हूँ। पहली बार मैं बहुत बहुत सॉरी कहती हूँ, आई नो बहुत लेट वीडियोज़ आती है, लेकिन इसके बाद इंशाल्लाह बहुत जल्दी इस वीडियोज़ आएगा। तो आज हम जाएंगे बकरे मंडी में, लेकिन इस टाइम की बकरे मंडी थोड़ी डिफरेंट होगा। मैं अपनी अबू के पास नहीं जाऊंगी और येलो बस से हमने बकरे नहीं ख़रीदना है, क्योंकि बकरे आने से पहले ही मेरे अबू ने सारे बकरे सेल तो कर दिया। इसलिए मैं और मेरी हमारी इधर एक दोस्त है एहसन, हम दोनों साथ मिलके इस्तांबुल में ही इस साल के हमारी बकरे ख़रीद लेंगे। और आप लोगों का तुर्की का पिछले साल से और इस साल की प्राइस की फ़र्क भी बताती हूँ। तो चलती है हमारी बकरा मंडी ब्लॉग पे। यार ये ट्रैफिक चेक करें, अभी हम रास्ता में बरीरा को लेने के लिए जा रही है और मुझे नहीं पता था ये 5 बजे में इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होगा। इसके बाद हमने मंडी में भी पहुंचना है, तो पहले हम बरीरा को लेती हैं और वापस जाएंगी। अभी तो हमारे पास 2 मिनट रह गई, 2 मिनट के बाद हम बरीरा को लेके मंडी के रास्ते में जाएंगे। बरीरा तो आ गया, ऐसे कहाँ पे कितना टाइम वेट किया हमारे लिए? बरीरा 15 मिनट्स वेट किया, तो मंडी बंद होने से पहले हम निकलती है। चले इस साल की ना बकरा मंडी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, बिल्कुल अपोजिट में ना ऑफिसेस है, बिल्कुल अपोजिट की उन्होंने ऑफिसेस के अपोजिट में ना बकरा मंडी लगा दिया है। इधर कह रही है कि ईद मुबारक, बड़ा ईद मुबारक। अभी अंदर बहुत बड़ा है, वेदर थोड़ी सी ठीक हो चुकी है, इसलिए थोड़ी सी लोग आना स्टार्ट किया है। अभी हम भी अंदर जाके देखेंगे, ऐसे काफ़ी हैं। और इधर उन्होंने ना लोगों को बैठने के लिए, चाय वगैरह पीने के लिए ऐसे जगह भी रखा है। हम ऐसे इधर से चलती हैं। इस इलाके की एक और भी जगह है, ये वाला इलाका नज़र आते हैं ना, वो वही जगह है तुर्कीश एयरपोर्ट। तुर्की एयरपोर्ट पहले वही थी, अतातुर्क एयरपोर्ट थी, फिर बाद में उन्होंने वो बंद कर दिया, नए एयरपोर्ट बनाए। ये उधर की वही जगह है, अभी एग्जैक्टली ये पॉइंट है येनी बोसना। यार ये सारी बकरे चेक करें, ये कितनी होगी यार। आप लोगों ने, आई एम सॉरी बता, आप लोगों की ना कुर्बानी होने वाला है। यार कितनी क्यूट है यार, इतना देखो, अगर ऊपर ना कलर हो चुकी है इट मीन्स उनका सेल हो गई है, अगर कलर नहीं है इट मीन्स उनका सेल नहीं हुए। एहसान, हम एहसन के साथ मिलके ही कुर्बानी करने हैं। एहसन बता दें, आप हमसे पहले आइए, प्राइजेस क्या है? 15,000 से नीचे कोई बकरे नहीं है। बकरे 15,000 से? 15,000 से ऊपर ऊपर। लास्ट ईयर मैं अपनी अबू से 7,000 में खरीद लिया था, इट मीन्स 15,000 में ना कर यार, पिछले कुर्बानी में 15,000 में हम 2 खरीद सकती थी, अभी एक भी मुश्किल से खरीदती होती है। यार इधर की बकरे एक्चुअली ना कौन सा सिटी और कौन से डिस्ट्रिक्ट से आ चुके हैं ना, इन्होंने वो भी लिखा है, लगे ये थोखट सिटी की ही वही है। अभी हम ये बई की जगह में आ चुके हैं। यार ये देख कितना ही बड़ा है, ये चक्कर भाई, बिस्मिल्लाह, मुझे लग रहा है कोई मुझे मार देगा। ये चक्कर 120-130 civarında. 120-130. Peki geçen yıl fiyatlar nasıldı? Geçen yıl fiyatlar bu ayırdanlar 75-80 lira falan. Wow, deki ye valla hey na pichle sal 75-750 or 80,000 ta abhi 120-130,000 Turkish lira o çıkı. Eğer aapne hissa lena hai, hissa bhi 25,000 Turkish lira hai. प्राइजेस इस साल डबल हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने इसको बेच दिया है, ऊपर नाम लिखा है, हम जाके और भी देखेंगे। एहसन ऐसा लग रहा है इधर से ही लेगा। अभी ना हम बाज़ार की थोड़ी अंदर से ही चलती हैं। इस साल मैं आपको ये बताओ, मेरी अबू भी यही कह रही है कि इस साल सेलिंग बहुत मुश्किल है और सेल नहीं हो रही है,
इवन इस साल मेरी चाचा ने यालोवा की हमारी सिटी में ही कुर्बानी कर दिया, 50 उसके पास 50 ही गए हैं, एक भी सेल नहीं हुआ। यार इसको चेक करिए कितना बड़ा, इसकी प्राइस क्या होगा, मैं किसको पूछूं, इतना बड़ा 1 करोड़ 1 करोड़ 5 करोड़ इस्लाम में पूरा फार्म आ जाता है बच्चों का ना कर, इन्होंने बस इसको ही 23 लाख में बेच दिया है। किसने यार, लोगों ने हिस्सा में ले लिया होगा ना। देखो वेदर बहुत अच्छे, लोग अभी अभी आके देखना स्टार्ट कर रही है, अभी बाजार थोड़ी सी ना वो है, लोग आना स्टार्ट किया है। और इधर की बंदा ने ना देखे उनकी खाना इधर रेडी होती है और ऐसे उन्होंने वो बड़ा वाले शॉपर्स में रख के उनको दे रही है। एक्चुअली ये बताओ, आप लोग कहेंगे तुर्की में प्राइजेस क्यों महंगा हो चुकी है, देखिए जिस भाई इधर उनके लिए खाना बना रही है ना, यही चीज़ें डबल डबल महंगा हो चुकी है। और इनकी डॉक्टर, इनकी दवाई, इनकी खाना सुबह शाम देना, इनका केयर और इनका सारी चीज़ें बहुत महंगा है, इसलिए इस साल इधर प्राइजेस भी बहुत महंगा है। नॉर्मली जिस आप लोगों ने बहस 70,000 में लेती थी, अभी वो हो चुके 100K 140K तुर्किश लीरा, इट्स टू एक्सपेंसिव। यार इधर का सीन बहुत अच्छा है, हेयर टेंट की बाहर लोगों ने सोने के लिए अपनी ऐसे सोफ़ा वगैरह रखी है, चाय बना रही है और गपशप हो रही है, एक टेंट से दूसरा टेंट के साथ लोग मिलके खाना वगैरह भी खाते हैं। इधर तो बहुत अच्छा ही सीन चल रहा है। ये वाला देखिए भाई ने ना इधर अपना घर भी बना के इधर ही सोती है प्रॉपर। ये वाला गाय चेक कर देती है, लेकिन इधर की ओनर इधर है नहीं। लेकिन मैं आपको एक एस्टिमेटेड प्राइस बताऊँ, ये वाला गाय है ना अभी आप लोगों का नज़र आती है, ये अभी प्रॉपर 150K तुर्किश लीरा ही से स्टार्ट होती है। ओबियसली तुर्की में बहुत ज़्यादा महंगे। खोला गया अभी सेनिन में कुसरा बाग में वीडियो चेक ediyordum, sorun değil değil mi? Fiyatlarını soracaktım ben. Şunu fiyatını soracağım. Onur ye bayiye isminiz neydi? İsim Suat. Suat Bey. Nerelisin abi? Erzurum. Ben de Erzurumluyum. Neresi? Horasan. Horasanlıyım ben de. Gerçekten? Evet. Annem babam benim Ertaş köyünden. Neytaş? Ertaş. Ertaş tamam biliyorum. Vay hamari taraf se inekler. Şu ineğin fiyatı ne abi? Bu geçen yılla bu yıl ineklerin fiyatının arasında ne fark var? Bu seneyle yani %100'ü geçen bir şey var. Neden? Her şey geçti. Yani sadece hayvan değil. Evet. Bütün her şeyden öyle. Kafiy gerek ki her şeye menge, isle bahat menge. Şu ineğin fiyatı ne kadar şimdi? Şimdi şu dananın fiyatını biz burada normalde 175 lira diyoruz ama 170'e falan veriyoruz böyle danalar. Açığa ekçili. Ama normalde yani yapması gereken 200 lira civarında olması lazım ki para kazansın. Ama para da kazandırmıyor yine o şekilde. Açığa bayi ekçili ye kere eğer me isko 200K Turkish lira me sale kardu to meri profit banega. Lakin me ye vala idher na 175K Turkish lira me बेच रही हूँ क्योंकि सेल नहीं हो रहे। यार भाई हमारी गांव से ही निकला, मेरी अम्मी अब की गांव से, अगर मैंने लेना है मैं आई थिंक ये वाला भाई से लूँगी ऐसे। लेकिन किसी के ऊपर नाम, इसके ऊपर ही नाम लिखा है, ये सेल हो चुकी है, इसके ऊपर ही ये हो चुकी है। ये ब्राउन मुझे अच्छा लगा, शायद कलर की वजह से, आज मेरे कपड़े में मैच भी हो रही है। हमको ये पता लगा हमारी कोई पैसा नहीं है, हम गाय खरीद लेंगे। इवन मेरे अबू ने बताया था बहुत महंगा है, इसलिए हम इस साल हमारी कुर्बानी कर लेंगे बकरे में। ये चारों पूरे फिर सारे ना बकरे की हैं। हेलो क्या हाल है यार, इनकी भी ना ये वाला बाल शाल उतार दे तो इनकी भी कोई केजी नहीं है कसम से। खोला गया fiyatlar ne abi? Abi 15'ten başlıyor 22 bin liraya kadar. 15. 22 binlikler hangisi? En büyük hayvan 22 bin lira abla bak. Hangisi? Yok bu değil. Şu hemen kırmızı kafanın yanındaki var ya. Tamam. Actually idarna 15,000 se bakre start hoti hai.
22,000 Turkish lira tak. Hiç satılıyor mu abi? Ha. Actually sale bhi ho rahi hai, dekhiye iske upar color wagera hai na, usme to sale ho chuki hai. Hum thodi aur check karte hain. Abhi hum keh sakte hain Turkey bahut mehanga hai. Bahut mehanga hai. Bahut mehanga. Like ये वाला बकरे पिछले साल जखा ने मेरे अबू से 7,000 में ख़रीद लिया था, अभी हो चुके 15,000-20,000. और ना आपको फुल खा सकती है, ना आप बांध सकती है, गोश्त भी इसकी इतना कम होगा. अगर आपने प्रॉपर लोगों को बांधना चाहती हैं तो 2-3 ले भी उसकी काफ़ी होगा. आई डोंट नो लोग कैसे, ज़्यादातर लोग हिस्सा लेगी होगी. अगर एक बड़ा गाय का हिस्सा भी लो तो 15-25,000 टर्किश लिरा है. पिछले साल 25,000 टर्किश लिरा में एक बड़ा गाय आती थी. ये प्राइस फ़र्क आप लोग खुद चेक कर ले. यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ? खाना खा रही है, चेक कर, खाना खा रही है. हेलो, आई लव, यार यार मुझे गाय भैंस बकरे इतनी पसंद है. शायद मेरी अबू की बचपन की वो बिजनेस है ना, हम गाय के साथ ही पैदा हो गया, इसलिए मुझे इतना पसंद है. लेकिन गोश्त, इनकी गोश्त भी मुझे बहुत पसंद है. खा लो, ये चक्कर, ये चक्कर, ये चक्कर कितनी क्यूट है सारे. नहीं नहीं आवे हैं ओ भाई, एक्चुअली एक सिटी है उर्दू से भाई की, en temizler senin valla, ben beyaz. Deki sabse saf, sabse khubsuret ye bayi ki. Fiyatlar ne abi? Fiyatlar 15'ten başlıyor, 30'a kadar var bizde. Acha bayi keh rahi hai ki 15,000 se start hoti hai, 30,000 tak hi chalta hai. I think humne lena hai ye bayi se leti hai. Theek hai, price is bayi se karte hai. Wo moti lage hua wo wala mujhe pasand aa raha hai, jiske seam gol gol hai na. Kaun sa wala? Wo samne wala, wo jo samne jiske wo ye wala. Ha, bu biçme jiska muh idhar ko hai. Abi şu ne kadar, bak şu başında şey olan şu. Dad, I think isme humne sola karne lagi hai. Ye wala humko pasand aaya. Bhai bahut acha bhi hai aur bhai ki prices bhi dusra wala market se theek hai. Agar karna hai bhai wo nikalte hai, wo hamari inshaallah qurbani ho jayega. Chale. Tabhi hai yaar. O valla bak abi, pazarın en güzel koyunu bu. Şişt, şişt, şişt. Git git git. Hadi sen içeri gir, sen içeri gir. İtini bir nakar. Hayır hayır. Kesimi nerede oluyor? Kesim burada. Birinci güne sıra verir. Birinci güne. Aha, kesim ben... ücreti ne kadar? 1000 lira. Size sıra verir. Ha. Hemen veriyorlar mı, evet, aynı güne? Evet. Aça. İskina de, wo bhi kat karne ka bhi 1000 deti hai kurbani ki pehle din. वो ना टाइम देती है. इसको को आखिरी ये बताया, आखिरी कितने का देगा? Şey, sen son kaç yaparsın? Siz ne biliyorsunuz? Sen son fiyatını söyle. 25,000 dedim ama ben size. 25, last purchase 25,000. Doha to, ha to. Şöyle. Ha. Söyle sen söyle. 25,000 lira. Ya ben buna hep 27 lira para istiyorum. Son kaç oldu? 25,000 dedim. Hayırlı olsun. Bir. Ya, 25, tamam. 25'i istemiyor. Hamne soda kar diya last wala bakre mein. Ehsan barira aaye. Ehsan ne ek bhai aaya. Ehsan ne kaha na main 16,000 dungi. Phir ek lamba uncle se aaye, usne kaha aap aur wo same hai, to ye dono bakre bhi same nahi hai, kyunki usne 16,000 mein na chota wala bakre dikhaya. Hamne end kar ke 22,000 tak kar diya. क्योंकि प्राइस ऐसे है, इसके नीचे भी हम नहीं कर सकता. मुझे प्राइजेस के बारे में पता है क्योंकि मैं अबू से ना अपडेट्स ले रही हूँ. प्राइजेस वाकई ऐसे ही है. कुर्बानी की पहले ईद तक हमारी बकरे इधर ही हो जाएगा और हमने 1,000 टर्किश लिरा एक्स्ट्रा पे किया वो स्लॉटर हाउस के लिए. कुर्बानी के पहले दिन उन्होंने हमको टाइम दे दिया, उस टाइम पर आएंगी हमारी कुर्बानी हो जाएगा. बहुत बहुत मुबारक हो. कैसा लगा आप लोगों की तुर्की में बकरा मेहंदी? पाकिस्तान से डिफरेंट है, बहुत महंगी है. ये बकरे में सात हिस्से होने चाहिए इस तरह के ना का. जिस तरह की प्राइस है, प्राइसेस वाकई इस साल बहुत महंगे हैं. मैं भी इसको एडमिट करती हूँ.
ईसा के प्राइजेस बहुत महंगे हैं। आप लोग भी बता दें पाकिस्तान में इस प्राइजेस में आप लोगों को कितना ही बकरे मिलती है, हमको 22,000 में ये वाला मिल गया। चलो खैर, हम सारी तो बांटेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह कबूल कर दे। हमारी आज इस साल की बकरा मेहंदी का वीडियो इधर ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी लगी होगी और नेक्स्ट कुर्बानी में मिलेंगी, देखेंगी उस टाइम से प्राइजेस कितना ही डिफरेंस आएगा। और अभी हम निकलती हैं, आप लोग अपना ख्याल रखें। इस चैनल में इंशाल्लाह और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आएगा और आप लोग अपना ख्याल रखें, फिर मिलती हैं।